सो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप तिरुपति विजिट करने का प्लान करें। सो जी हाँ, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे आप यहाँ पे विजिट करोगे, कैसे आपका यहाँ पे दर्शन होगा, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखनी है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं शुरू से। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो डेट फिक्स करनी है कि कौन से डेट को आपको विजिट करना है। उसके लिए डायरेक्टली यहाँ पे तिरुमला में आके दर्शन लेने का सिस्टम यहाँ पे बंद हो चुका है ड्यू टू कोविड। सो आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है। सो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए जो वेबसाइट है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। सो तिरुपति दर्शन करने के लिए आपको उस लिंक पे ऊपर जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। सो फॉर रजिस्ट्रेशन आपको आपका पैन नंबर, आधार नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी प्रूफ वहाँ पे डाल के आपको खुद की प्रोफाइल बनानी है। सो आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाने के बाद आपको राह देखनी है कब आपके डिजायर मंथ के दर्शन स्लॉट ओपन होंगे। कि बिफोर कोविड ये 90 डेज पहले हर एक मंथ का ओपन होता था, बट ड्यू टू कोविड अगले मंथ है। तो अभी मैं नवंबर का आइडिया देता हूँ, तो नवंबर और दिसंबर के जो स्लॉट्स बुक हुए थे वो 25 अक्टूबर को ओपन हुए थे। तो उसी वक्त आपको जो वेबसाइट दी गई है उस वेबसाइट के ऊपर कॉन्स्टेंट विजिट करना है, दिन में एक बार स्टार्टिंग ऑफ द डे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, क्योंकि करंटली ये वीडियो भी शूट कर रहा हूँ तिरुमला में ही। तो मंथ के 20 तारीख या 25 तारीख से स्लॉट ओपन हो जाते हैं, तो आपको डेली विजिट करनी वेबसाइट डेट विजिट करने के बाद वहाँ पे आपको डेट डिक्लेयर कर देंगे कि ये है डेट को इस मंथ के स्लॉट ओपन होने वाले हैं। फॉर स्पेशल दर्शन अलग डेट पर बुकिंग रहती है। फ्री दर्शन जो अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट 1 नवंबर से, उसका डेट ऑफ बुकिंग अलग रहता है। और अकोमोडेशन यहाँ पे रहने का जो भी रूम बुक करना है उसका अकोमोडेशन बुकिंग डेट अलग रहता है। नॉर्मली पहले तो स्पेशल दर्शन की बुकिंग ये लोग ऑन कर देते हैं, तो स्पेशल बुकिंग की बुकिंग ऑन होने के बाद बुकिंग का डेट दे देंगे और उसका टाइमिंग दे देंगे। टाइमिंग मॉर्निंग को 9 बजे बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको 9 के पहले दैट मीन अराउंड 8:45 से लॉग इन करके उस वेबसाइट पे विजिट करना है आपको। F5 दबा के आप रिफ्रेश करते रहिए। जो मेरा जो एक्सपीरियंस है अराउंड 8:58 को ही स्लॉट ओपन हो गए थे। और स्लॉट बुक होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे बुकिंग नहीं होती, आपको एक टाइमर दिया जाता है। मुझको अराउंड 3 मिनट का टाइमर दिया था। जितना आप जल्दी उस वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे उतना आपका टाइमर लो रहेगा, जितना आप देर से करोगे उतना आपका वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा। सो मुझको 3.5 मिनट का वेटिंग पीरियड था। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आपके मोबाइल नंबर वहाँ पे पुट कर दे। उसके बाद एक OTP आएगी, वो OTP वहाँ पे डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगी कौन से डेट को आपको बुकिंग करनी है और कौन सा टाइम स्लॉट आपको बुक करना है। सो ऐसे हो जाएगा आपका ऑनलाइन बुकिंग। वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त आपको लड्डू का पेमेंट भी आप कर सकते हैं। लड्डू का चार्जेस है 50 रुपीज पर 1 लड्डू जो वेटेड रहता है अराउंड 165 ग्राम। उसके बाद यहाँ पे तिरुपति आने के बाद आपको बिगर साइज लड्डू भी मिलता है जो अराउंड 650 ग्राम का रहता है, उसका कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज रहता है। और एक वड़ा मिलता है जो 150 ग्राम का रहता है, उसका कॉस्ट 100 रुपीज रहता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पे आके मिल जाएगी एट द लड्डू कलेक्शन सेक्टर में। ऑनलाइन बुकिंग करते हो आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 जन का बुकिंग करने को वो स्लॉट अवेलेबल रहेगा, तो आप 2 जन का बुकिंग कर सकते हैं। बट आपको 2 से ज्यादा पब्लिक का बुकिंग करना है, सो किसी और को या कोई और PC के ऊपर वेब पेज ओपन करके वहाँ पे भी आपका टाइम स्लॉट चालू कर सकते हो, तो वहाँ पे आप 2 पर्सन का बुकिंग कर सकते हो। ध्यान में रखिए बच्चे लोग को, दैट मीन 12 साल के नीचे वालों को कोई भी टिकट बुकिंग की जरूरत नहीं है, उनको दर्शन फ्री है। भले आप फ्री ऑप्शन चूज कर दिया, स्पेशल दर्शन जो 300 रुपीज का ऑप्शन चूज करो, वहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। टिकट बुक करने के बाद आपको जब यहाँ पे आएंगे तो आपको दोनों भी डोज के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास 7 to 2 hours बिफोर का RT-PCR का नेगेटिव रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए 72 hours एग्जैक्टली जब आपका बुकिंग स्लॉट बुक करते हैं तब, नॉट वाइल एंटरिंग तिरुमला, प्लीज रिमेम्बर दैट। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन दर्शन बुकिंग प्रोसेस। तो आप ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस होने की वजह से बता दिया, नेक्स्ट डे फ्री दर्शन का हो जाता है। फ्री दर्शन के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपको। और उसके बाद जब अकोमोडेशन, जब यहाँ पे आओगे तो आपको रूम तो लगेगा, तो रूम के ऑप्शन स्टार्ट होते हैं 50 रुपीज से, 100 रुपीज से, 500 रुपीज से और 1000 और 1500, ऐसे अलग अलग ऑप्शन बुक रहते हैं। 1500 रुपीज से AC रूम चालू होते हैं जो मैंने लिया है। सो फ्रेंड्स ये है रूम अपना, SGH में रूम मिला है हमको, अलोकेट हुआ है। सो
हमने रूम लिया है फॉर 1500 रुपीज़। एसी वाला रूम है ये, टू बेडेड। यहाँ पे है स्मॉल कबर्ड, मिरर, वॉश बेसिन, मॉर्निंग वाली जगह, बाय द वे हॉट वाटर के लिए गीजर भी है आपको। और उसके बाद हमको मिलती है गैलरी, सो लेट्स चेक इट आउट द गैलरी। चेयर्स है आपके पास, यहाँ पे स्मॉल सामान रखने के लिए कबर्ड्स है। ओ वाओ, ये टिपिकल फोर्ट वाले रूम में रहते हैं, वैसे कुछ लुक दिया है यहाँ पे। योर आपकी गाड़ी या बाइक पार्किंग यहाँ पे सेफ रहेगी, वो रही अपनी गाड़ी सेफ। ये कुछ ऐसा रूम है हमारा, यहाँ पे आपको गर्म पानी के लिए हीटर की अरेंजमेंट दी गई है। एसी का रिमोट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते, इवन मैंने रिसेप्शन जाके रिक्वेस्ट की थी एसी का रिमोट दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही थी और टेम्परेचर कम ज्यादा करना पड़ा, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया, बोला वो ऑटोमेटिक सेट है, आपको वैसे ही यूज करना है। पानी का ऑप्शन यहाँ पे बहुत सारे है, रूम के बाहर ही वाटर डिस्ट्रीब्यूटर हमको मिला। तो जो भी आपको रूम चाहिए उसका अकोमोडेशन आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, उसके बाद आपके वेब पेज पे पेज आएगा, उसके आपको प्रिंट आउट लेने की, क्योंकि उसके ऊपर जो बारकोड रहता है वो आपको अलिपी जो टोल गेट 30 किलोमीटर बिफोर तिरुमला वहाँ पे आपको स्कैन किया जाता है, तो जब वहाँ पे स्कैन करेंगे और वो वैलिड रहेगा तो ही आपको अलिपी टोल बूथ से आगे एंट्री देंगे, अदरवाइज वहीं से आपको रिटर्न भेज देंगे। करंटली ऐसे कंडीशन है विदाउट ऑनलाइन टिकट और अकोमोडेशन आपको आगे प्रोसेस नहीं करते हैं। तो वहाँ पे स्कैन करने के बाद अराउंड 30 मिनट्स में आपके फोन के ऊपर SMS आएगा, 30 मिनट्स अराउंड लगते हैं आपको ऊपर आने के लिए। उस SMS में मेंशन किया रहेगा आपको कौन सा रूम या कौन सा क्वार्टर्स या कौन सा रेस्ट हाउस में कौन सा रूम अलॉट किया है, तो सबसे आपको उस बुकिंग सेंटर में जाके आपको विजिट करना है। GPT है और SPT है, SPT जो हमारा था, तो SPT ऑफिस में आपको सर्च करना है, तो SPT ऑफिस में आने के बाद आपको SMS दिखाने के बाद आपको अकोमोडेशन का जो पेज का प्रिंट आउट थी वो आपको दिखानी है, उसके बाद आपको रूम अलर्ट कर देंगे। रूम जो है वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड रहता है, अगर आपको 24 घंटे के ऊपर भी रहना है तो आपको रिसेप्शन में जाके जो रिसिप्ट आपको दी गई थी वाइल मेकिंग अ पेमेंट वो रिसिप्ट आपको रिसेप्शन पे दिखानी है। रिसेप्शन वाले भाई साहब चेक करेंगे, साइन करेंगे, बाद ही आपको वापस SPT ऑफिस जाना है, उनको रिसिप्ट दिखानी है, उसके बाद वो लोग रूम एक्सटेंशन करके देंगे। जैसे मैंने बता दिया 1500 रुपीज का AC रूम था मेरा, बट सेम रूम को जब मैं एक्सटेंड किया फॉर अनदर 24 आवर्स तो मुझको चार्ज किए गए 1700 रुपीज। सो पेमेंट भी जो आपको करना है, जो कैश पेमेंट से एक्सेप्ट नहीं करते, आपको कार्ड पेमेंट से ही एक्सेप्ट करना है, तो ध्यान में रखिए आपके पास वैलिड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। तो ये हो गए रूम एक्सटेंशन के बाद। जब भी आप नीचे एलिपेरी गेट से, जैसे मैं बता दिया 30 मिनट्स का टाइम पीरियड रहता है, वो जो SMS आता है उस SMS के ऊपर मेंशन किया रहता है कि आपको 300 मिनट्स में SPT ऑफिस में आपको रिपोर्ट करना है, तो उस टाइम में अगर रिपोर्ट करेंगे तो आपको जो रूम अलॉट किया वो मिलेगा, अदरवाइज आपको वो रूम किसी और को दे दिया जाएगा। और अगर सेम कैटेगरी का जो रूम आपने बुक किया और नहीं मिला रहेगा तो आपको लोअर कैटेगरी का रूम मिल जाएगा। सो ध्यान में रखिए, जैसे आप ऊपर तिरुमल आ जाते हैं यहाँ पे मत घूमिए, डायरेक्टली आपके SPT ऑफिस में रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पे रूम बुक कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आप चाहिए यहाँ पे रूम कर सकते हो। आपका अकोमोडेशन की बुकिंग होने के बाद जब भी आपका दर्शन वाला दिन रहेगा उस वक्त, तो जब आप स्पेशल दर्शन का बुकिंग करते हो फॉर दर्शन, उसके ऊपर मेंशन किया रहता है रिपोर्ट टू ATC सर्कल। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना प्लीज, ATC सर्कल अलग है और ATC अलग है। तो अदर देन ATC रिफरिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्री बस सर्विस जो तिरुमला में घूमते रहते हैं वहाँ पे चढ़ जाइए, वहाँ पे उनको बोल दीजिए मेरे पास स्पेशल टिकट है, तो ATC पार्किंग और स्पेशल एंट्री दर्शन 300 इतना भी आप बोल देंगे उनको तो आपको स्टॉप पे उतार देंगे। सो वहाँ पे उतरने के बाद जब भी आपका टाइम स्लॉट रहेगा उसके आधा घंटा ही आपको अंदर अलाउ करते हैं, तो अंदर अलाउ करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन में 2-3 जगह से घूम घूम के बिल्डिंग के अंदर एंटर करवा लेंगे। एंट्री करने के बाद आपको अलग अलग सेक्शन एरिया है वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है आधा आधा घंटा, इट्स डिपेंड ऑन द क्राउड कितना क्राउड है उस दिन का, वो 30 मिनट्स वेट करना पड़ा था। सो दर्शन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से हुआ। और एक इम्पोर्टेंट टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, जब भी आप दर्शन की लाइन में रहोगे तो राइट हैंड साइड की लाइन में रहना, दो लाइन रहती है लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में अगर आप रहते हो तो दर्शन आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा दैट मीन ये ऐसे ऐसे और यहाँ पे मूर्ति रहती है तो पास से दर्शन मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे सिर्फ दो गार्ड रहते हैं, बट अगर इस सेकंड लाइन से जो लेफ्ट हैंड साइड से अंदर जाओगे तो जट 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 से आपको बाहर निकाल देते हैं। तो ये गोल्डन टिप मेरी तरफ से, राइट हैंड साइड में रह रहना, दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। जब भी आप दर्शन लाइन में आओगे तो वहाँ पे आपको दोनों वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और आपका RT-PCR टेस्ट का जो रिजल्ट है वो कैरी करना है,
अदर देन दैट जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन की थी व्हाइल डूइंग द ऑनलाइन बुकिंग, वो डॉक्यूमेंट दैट मीन आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड तो यहाँ पे लेते नहीं है, तो वो आपको कैरी करना है ओरिजिनल। तो वहाँ पे चेक करेंगे, आपको मास्क पहना है तो आपको मास्क नीचे करना है बोलेंगे, और मास्क से आपको आईडी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद के आपको अंदर अलाउ करेंगे। वहाँ से अलाउ होने के बाद आप मोबाइल कैरी कर सकते हो। जस्ट अंदर दो बिल्डिंग क्रॉस करने के बाद आपको एक एरिया आएगा, वहाँ पे आपको या आपके पास जो भी सामान है वो आपको डिपॉजिट करना है। तो वहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आपको एक रिसिट देंगे, वो रिसिट में आप मेंशन करेंगे कि आपको ये मोबाइल या आपका ये सामान मंदिर के सामने वाले जो काउंटर है वहाँ पे मिलेगा, वापस आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप दर का दर्शन है कि मंदिर से बाहर आ जाते हो, वहाँ पे आपको मोबाइल और आपका जो भी सामान है वो काउंटर से आप कलेक्ट कर सकते हो। जो भी ये जो काउंटर है वो आपको शॉपिंग मॉल के पीछे वाली साइड पे मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है शॉपिंग मॉल वाला बिल्डिंग। आपका दर्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे आप बाहर जाते हो, वहाँ पे लड्डू केंद्र है, वहाँ पे आपने जो भी ऑनलाइन पेमेंट की होगी लड्डू का या डायरेक्टली वहाँ पे जाके भी पेमेंट करके आप इससे लड्डू ले सकते हैं। 50 रुपीज पर लड्डू है। अगर थैली लेनी है आपको तो थैली की कॉस्टिंग 11 रुपए 7 रुपए की अलग अलग थैली आती है, वो भी आप वहाँ से कैरी बैग परचेस कर सकते हो। फ्रेंडली लड्डू के लिए कुछ लिमिटेशन नहीं, आप चाहिए उतने लड्डू ले सकते हो। हमने तो टोटल 20 लड्डू लिए। जब भी आप दर्शन के लिए जाओगे तो ध्यान में रखना चप्पल मत पहनना, अगर चप्पल पहनते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर वाला एंट्री एक जगह पे और एग्जिट एग्जैक्टली अपोजिट जगह पे है, तो वापस उस एरिया तक आपको विदाउट चप्पल जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी और एक गोल्डन टिप दे दूंगा, अद्य प्रसादम के बाजू में एक चप्पल स्टैंड है, वहाँ पे आपकी चप्पल रख दीजिए, सिक्योर रहेगी, कुछ चप्पल चोरी होने की टेंशन नहीं वहाँ पे। उसके बाद वहीं पे बाहर आपको अन्य प्रसादम का फ्री बस का बस स्टॉप है, वहाँ से बस पकड़ लीजिए, 2 स्टॉप्स है, उसके बाद डायरेक्टली आपको ATC पार्किंग एरिया मिल जाएगा। वहाँ से उतर के दर्शन करके जब आप बाहर आओगे तो उसी जगह पे बाहर आओगे जहाँ पे आपने चप्पल निकाली थी। और आई थिंक मोस्ट ऑफ सभी चीज़ तो मैंने कवर कर ली यहाँ पे। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो या मुझको डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। सो दैट्स इट माय फ्रेंड। एक ही चीज माइंड में थी कि कैसे आप सभी को हेल्प कर पाऊँ, आपका तिरुपति बालाजी के विजिट और आपका तिरुपति बालाजी का दर्शन बहुत अच्छी तरह से हो। इफ इन केस आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन, बहुत अच्छा लगेगा हमें। ऑल्सो इस कम्प्लीट तिरुपति बालाजी का दर्शन के व्लॉग अपने चैनल के ऊपर बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। जो जो चीज़ें मैंने अभी वर्बली बताई वो चीज़ मैंने होते वहाँ पे शूट किए हैं। गोविंदास ब्लेसिंग स्टेज विद ऑल ऑफ अस। ओम नमः वेंकटेशा। गोविंदा गोविंदा। तो जो टोल गेट की पावती हमको यहाँ पे मिली थी स्टार्टिंग में, जो हम लोगों ने 50 रुपीज पे किए थे, तो वो रिसीट वापस आते हो जैसे मैंने बता दिया। सुबह आपको चेक करते हैं जैसे आप एग्जिट करते हो तिरुमला से, तो वो जो रिसीट है यहाँ पे वापस ले लेते हैं वो लोग, स्कैन करके वापस आपको नहीं देते, ध्यान में रखिए। तो वो रिसीट बहुत संभल के रखना आप, 2 बार स्कैन होती है और एंड में आपको वापस नहीं मिलती है।